देशभर्ती की खातिर 81 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी घुटने बिना जुड़ना चाहिए। एक कलेक्टर बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, घर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। वो कदम बराबर सदे हुए हो, आंख कान भी ठीक ठाक, सब खूबी के बावजूद भी घोड़े से उड़ना चाहिए। चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिन यह सम्मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। कितना भी बड़ा महंगा कपड़ा पहन लो, इसका जलवा अलग है। अपने जीवन की खुशियों का बलिदान सहज ना होता है तो रात रात भर जगता है, तब देश चैन से सोता है। मध्य प्रदेश के चर्चित पुलिस अफसर भगवत प्रसाद पांडे एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार उन्होंने एक शानदार कविता के जरिए लोगों का दिल जीत लिया है। मेरी वर्दी मेरी शान दिल में सारा हिंदुस्तान नाम से ये वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये कविता उन्होंने पुलिस सर्विस के लिए सिलेक्ट हुई लड़कियों को सुनाई। आप भी सुनिए ये बेहतरीन कविता। लेकिन इस वर्दी की खातिर 81 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी घुटने बिना जुड़ना चाहिए। लोग ये सब सिलेक्ट बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस में। बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, घर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन इस वर्दी की खातिर 81 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी घुटने बिना जुड़ना चाहिए। वो कदम बराबर सदे हुए हो, आंख कान भी ठीक ठाक, सब खूबी के बावजूद भी घोड़े से उड़ना चाहिए। चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिन यह सम्मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। क्या सोचा तुमने, आज आप लोग ये सब सिलेक्ट बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस में, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर यह उपकार किया? क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर यह उपकार किया? क्यों जन्म दिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई? किसी और पे भी बरसा सकता था। क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई? क्यों जनसेवक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया? कितना भी बड़ा महंगा कपड़ा पहन लो, इसका जलवा अलग है ना। क्यों जनसेवक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया? इसका उत्तर खुद से पूछो। तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चयन हो तुम पर, तुमको इसका भान नहीं। तुम पहुंच सको आंसू उनके जो दीनहीन है शोषित है, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित है। इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धाम धरा भेजा, मानव हित में है श्रेष्ठ मनुष्य करने को काम बड़ा भेजा। मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में अशोक दिख रहा है ना, ये अभी तुम सबको मिलेगा। ये तेरे माथे का अशोक केवल तुझ पर ही शोभित है, यह नहीं सुलभ होता सबको, केवल तुझ पर आरोहित है। यह राज चिन्ह सम्मान महज तुझ पर ही क्यों हर्षाता है? क्या सोचा तुमने ये सबकी किस्मत में क्यों ना आता है? कहता है भागवत सुन सैनिक, इस राज चिन्ह का सार बड़ा, यह राज चिन्ह देता हमको जन रक्षण का अधिकार बड़ा। अपने जीवन की खुशियों का बलिदान सहज ना होता है, तू रात रात भर जगता है, तब देश चैन से सोता है। दरअसल भगवत प्रसाद पांडे सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहते हैं। उनके वीडियो खूब वायरल होते हैं। वो सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाकर अपने अंदाज में लोगों को जागरूक करते हैं। पांडे जी का ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। तुम पहुंच सको आंसू उनके जो दीनहीन है शोषित है, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में।